अपने गणेश भगवान बने हैं, वो भी नारियल के, ये देखिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। और आज मैं और भाभी दोनों लोग चल रहे हैं नीचे, कुछ सामान वामान खरीदना है तो चलते हैं और कुछ खाएंगे पियेंगे, बहुत मजा आने वाला है। भाभी के साथ आज मंगल बाजार भी है तो उधर से मंगल बाजार होते हुए आएंगे। तो ये देखिए हम लोग आ गए रोड पे, ये देखिए 10 रुपए वाला बर्गर बेच रहा है यहाँ, और अब यहाँ से ई रिक्शा लेंगे और चलेंगे बाजार। तो गाइस ये देखिए हम लोग ई रिक्शा बैठ गए, पीछे कुछ बच्चे लटके हुए हैं, ये देखिए ये लोग साथ। तो गाइस ये देखिए यहीं पे फूल लेने के लिए आता हूँ मैं, ये सामने जो दिख रहा दुकान, और ये देखिए इधर फ्रूट्स वगैरह मिल रहा है। मंगल बाजार की तरफ ही वो मार्केट भी है जहाँ अभी कुछ भी सामान अभी लेना है। ये देखिए क्या मस्त मस्त सब्जी मिल रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या मस्त मस्त लेडीज का सेंटर लगा हुआ है, और ये देखिए कपड़े कितने सारे कपड़े मिलते हैं यहाँ पे, रंग बिरंगे कपड़े हैं यहाँ पे, लेडीज मैन सबका है। देखिए इधर जाम भी लग गया है पूरा। तो गाइस ये देखिए ये देसी मसाले बेच रहे हैं अंकल, ये बिल्कुल खुद से पीसा हुआ मसाला है इनका, ये डेली मतलब हर मंगल बाजार को यहाँ पे लगाते हैं ये। ये देखिए यहाँ पे सेल चल रहा है 150 रुपये कपड़े का, 150 रुपये कोई भी कपड़ा। तो ये कितना भीड़ है यहाँ पे, लोग शॉपिंग वॉपिंग करने आते हैं बहुत सारे लोग। तो देखिए हम लोग यहाँ पे गजब का जाम में फंस चुके हैं, अब यहाँ से पता नहीं कितना टाइम लगेगा निकलने में, लेकिन ई रिक्शा वाले भैया फटाफट से खींच रहे हैं देखिए। तो गाइस इतना भीड़ था कि हम लोगों ने निर्णय किया कि हम लोग पैदल ही चलेंगे मार्केट तक, तो हम और वहाँ उतर गए हैं ऑटो ई रिक्शा से, और अभी हम लोग जा रहे हैं पैदल। ये देखिए गाइस ये कितने सारे कपड़े बेच रहे भैया यहाँ पे, और सामने देखिए जाले वाले झाड़ने वाले भी बहुत सारे, ये देखिए जाले वाले झाड़ने के लिए भी बेच रहे भैया यहाँ पे। और अभी हम लोग जा रहे हैं उस साइड का मार्केट, इधर कपड़े वगैरह बहुत सारे हैं, उधर भाभी को कुछ खरीदना है, पता नहीं क्या क्या खरीदना है, तो चलते हैं अभी। तो देखिए यहाँ भाभी कान का लेने के लिए आई हैं, अरे रंग बिरंगा कान का यहाँ पे है, पूरा स्टैंड लगा हुआ कान का, क्या मस्त मस्त कान का यहाँ पे भैया ने रख रखा है। देखिए ये देखिए क्या मस्त मस्त कान का, कोई पसंद आ रहा भाभी? और देखिए भुट्टी के बाल सर में मार के चला गया भाई भाई साहब। देखिए इधर भी कान का है, दो दो स्टैंड है भाई साहब। तो गाइस भाभी यहाँ चूड़ी खरीदने आ गई, देखिए कितना भीड़ है चूड़ी दुकान में, सब लोग चूड़ी खरीद रहे हैं, देखिए आप मस्त मस्त चूड़ी यहाँ है। भाभी को चूड़ी पसंद आया? कौन सा? ओ भाई साहब मस्त लग रहा है कलर, तो येलो भी अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कलर। तो गाइस देखिए यहाँ पे ढेर सारा चूड़ी है, ये चूड़ी वाले भैया यहाँ है, देखिए गाइस ये भैया 60 रुपये का बेल्ट बेच रहे हैं यहाँ पे, टेबल पे 60 रुपये का बेल्ट। तो गाइस भाभी ने यहाँ रंग बिरंगी चूड़ियाँ खरीद ली है, अब हम लोग चलते हैं आगे कुछ लेने के लिए। तो ये भाभी को दिखा दुपट्टे का दुकान, अब आगे दुपट्टा लेने लेना चाह रहे। हाँ हाँ तो ये देखिए भैया ने रंग बिरंगी बिल्कुल दुपट्टा यहाँ पे रखा है, देखिए कितना मस्त मस्त दुपट्टा है इनके दुकान में, और भाभी को देखिए कौन सा दुपट्टा पसंद आता है अभी वो ले लेंगे यहाँ से तुरंत अभी हम। ये देखिए पूरा दशहरा का सामान यहाँ मिल रहा है, कपड़े वपड़े आलू मिल रहा है, आलू बहुत लंबा बाजार है। ये देखिए ये दूर से देखने में लग रहा है आलू है, बट ये आलू नहीं है, फ्रूट है कोई, इसका नाम मुझे पता नहीं है, हम भाभी ले रही हैं इसको, इसके भैया तौल रहे हैं। गाइस ये तो कोई भैया का दुकान पे आया था मैं, सामने गणेश भगवान बने हैं वो भी नारियल के, ये देखिए भाई साहब क्या मस्त बनाया है भैया ने। तो भैया ये आपने बनाया किसने बनाया? अच्छा अभी खरीद के लेके आए हो? अच्छा ये भैया अभी खरीद के लेके आएंगे, बहुत बढ़िया बनाया है जो भी बनाया जिसने बनाया। ये देखिए भैया यहाँ अचार बेच रहे हैं, और यहाँ कपड़ों का मार्केट थोड़ा आगे। तो गाइस इंडिया में कलाकार की कमी नहीं भाई साहब, देखा नारियल से उन्होंने गणेश भगवान बना दिया है भाई साहब। तो ये देखिए यहाँ अंकल 300 रुपये साड़ी बेच रहे हैं, और देखा आगे कितना भीड़ है, और कान वान वाला बेच रहा है यहाँ पे, कान का वो क्या रिंग बोलते हैं भाभी इसको, और क्या बोलते हैं, इयर रिंग्स बोलते हैं इसको। देखिए और ये देखिए कितना भीड़ है यहाँ पे, भुट्टे का बना रहे हैं कुछ भाई। ये देखिए भैया कान्हा जी के कपड़े बेचते हैं छोटे छोटे से, तो भाभी ने एक कपड़ा ले लिया क्योंकि हमारे घर में भी कान्हा जी हैं एक। तो ये देखिए भैया यहाँ पे गोले बेच रहे हैं, और ये सामने नारियल पानी,
बहुत भीड़ है नारियल पानी की दुकान में। ये पीछे तरबूज का दुकान है, कितना भीड़ है यहाँ। तो ये देखिए भाभी मच्छरदानी देख रही है, यहाँ पे बहुत सारे मच्छर हो गए हैं आजकल। तो कितने का ये मच्छरदानी, कितने का भैया? 280। ठीक है, देख लीजिए लेना है तो, नहीं लेना। गाइज भाभी ने बार्गेनिंग का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया, बिल्कुल 500 रुपये चीज 200 रुपये में ले लिया इन्होंने मच्छरदानी। गाइज 500 रुपये कह रहा था बंदा, 200 रुपये में इन्होंने बिल्कुल एक बार बोला देना तो बंदा एक बार में तैयार हो गया देने के लिए। तो देखिए अब आ गई है भाभी अंकल के दुकान में चप्पल लेने के लिए। पिछली बार कौन सा चप्पल पसंद आया था आपको? कितने का? 500। वो वाला चप्पल कहाँ जो पिछली बार आपको पसंद आया था? अरे ये देखिए अंकल के पास क्या मस्त मस्त चप्पल है, अच्छा लग रहा है पैर में। 39 लिखा है। ये देख क्या मस्त मस्त मोजरी है। तो भाभी ने एक चप्पल ले लिया नॉर्मली नीचे वीचे आने के लिए, और अच्छा चप्पल था, मतलब कंफर्टेबल। बाहर किसी ब्रांड से लेते हो तो 2-3 हज़ार का चप्पल होता, बट यहाँ पे 500 का लिया भाभी ने, और देखने में लुक वाइज बहुत बढ़िया चप्पल था और कंफर्टेबल भी था, गद्देदार था। तो एक चप्पल भाभी ने वहाँ से परचेज कर लिया। ये देखिए एक भैया आ रहे हैं कप वगैरह लेके, देखिए क्या मस्त मस्त कप है इनके पास। और सामने भी एक कप का ही दुकान है, देखिए गिलास वगैरह है यहाँ पे। अभी हम लोग चलेंगे इस दुकान में देखते हैं कुछ। ये देखिए यहाँ पे कितने सारे कप हैं। ये देखिए क्या मस्त मस्त रंग बिरंगे ब्लाउज हैं यहाँ पे। ये देखिए गाइस, ये देखिए भैया के यहाँ आर्टिफिशियल रोज का कितना मस्त मस्त। ये क्या है भाभी, ये वाला बाल का झूरा? बाल का झूरा है गाइस, देखिए गुलाब, आर्टिफिशियल गुलाब का फूल से बनाया गया है, ये मस्त मस्त। ये देखिए क्या मस्त, ये देखिए आर्टिफिशियल हेयर यहाँ पे कितने सारे लगे हुए हैं। ये देखिए रंग बिरंगे हेयर है भाई साहब, और ये रोल गोल्ड के नाक के कान के, क्या मस्त मस्त चीज है। तो गाइस ये देखो मैं यहाँ रुक गया हूँ आलू टिक्की खाने के लिए, और ये छोटे से भैया आलू टिक्की बना रहे हैं। ये देखिए हमारा आलू टिक्की बनने जा रहा है। गाइस मैं हूँ स्ट्रीट फूड लवर और मुझे स्ट्रीट फूड खाना बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं रुक गया हूँ अभी आलू टिक्की खाने। हाँ गाइस मैंने भैया को बोला कि भैया थोड़ा बढ़िया से बनाना टुकड़े टुकड़े करके, लेकिन वो चाकू से काट के बिल्कुल बढ़िया से बना रहे हैं आलू टिक्की, और बोला मैंने थोड़ा स्पाइसी बनाया तो बढ़िया से बनाएंगे बिल्कुल। देखिए हमारा अभी बन के आने वाला है थोड़ी देर में। तो गाइस ये देखिए हमारा मस्त स्मार्ट सा लुक बिल्कुल, आलू टिक्की बन के आ गया, इसको खाते हैं। तो गाइस भाभी को भैया का आलू टिक्की इतना पसंद आ गया कि एक और आलू टिक्की बनवा रही है। ज़्यादा पसंद आया? हाँ, अच्छा लगा, भूख लगा। देखिए दूसरा हमारा आलू टिक्की बनाने जा रहा है, बढ़िया सा। गाइस ये देखिए भैया कितना बड़ा बैलून ले घूम रहे हैं मंगल बाजार में, भाई साहब भैया से भी ज़्यादा बड़ा है। गाइस ये देखिए रंग बिरंगा कछुआ। तो गाइस ये था हमारा मिनी सरोजनी मार्केट, कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको ये मिनी सरोजनी मार्केट। तो गाइस हम लोग मिनी सरोजनी से वापस आ गए हैं और अपनी गली में हैं, और रास्ते में मैंने थोड़ा सा जलेबी पैक करा लिया था, तो अभी घर चलेंगे और फटाफट से जलेबी खाना है हमें। तो गाइज अब मैं घर आ गया हूँ, और जो जलेबी हमने लिया था वो जलेबी सर्व हो गया है, तो चलिए अब थोड़ा सा जलेबी का एंजॉय करते हैं। ये देखिए गाइज टेस्टी सा जलेबी आ गया हमारा, वाओ क्या मस्त। तो गाइज ये देखिए हमारा बिल्कुल टेस्टी सा अमरूद यानी टेमरस भी कट के आ गया है, और इसको भी बिल्कुल अभी खाएंगे बिल्कुल बढ़िया से। तो गाइज आज हमने मिनी सरोजनी मार्केट में बहुत ज़्यादा ही इन्जॉय किया और ढेर सारा चीज़ खाया भी, और कुछ कुछ चीज़ परचेज करके हम घर भी लेके आए। तो गाइज मैंने तो बहुत इन्जॉय किया, आई होप आपने भी किया होगा। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए ओके बाय गाइज।